देश में लागू हुए लॉकडाउन के बाद जगह जगह गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना मुहैया कराने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा खाना वितरण की शुरुआत की गई थी। लेकिन ऐसे में राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन टेम्पल द्वारा आयोजित किचन दिल्ली का सबसे बड़ा किचन बनकर उभरा, जो रोजाना 5 लाख लोगों को भोजन मुहैया करा रहा है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आज द्वारका इस्कॉन टेम्पल को लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने के लिए अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। आइए सुनते हैं डीएम राहुल सिंह ने क्या बताया। इसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया था तो उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो हमारे सामने थी कि ऐसे लोग जो डेली वेज वर्कर्स हैं और बाहर से आए राज्यों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो रोज़ की आमदनी पे जिनका निर्भर था, उनको खाना खिलाना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए हम लोगों ने इस्कॉन से बात करी। इस्कॉन में पीयूष गोयल जी हैं, इस्कॉन द्वारका के जो डायरेक्टर हैं, उनसे हमने इसको डिस्कस किया कि कैसे इसको किया जाए। तो उन्होंने इसकी हामी भरी और हमने इसकी शुरुआत करी थी करीब 60 लोकेशन से, और उसमें हमने करीब 5 से 10 हज़ार लोगों को ये शुरुआत करी थी। उसके बाद जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ा तो हमें पता चला कि इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, और 5 ही दिन में ये 1 लाख लोगों तक हम पहुँच गए थे। और आज की डेट में हम लोग विद द गॉड्स ग्रेस वी आर एबल टू सर्व 5 लाख पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट। हमने वेरीफाई किया कि इनको रॉ मटेरियल की प्रिक्योरमेंट कैसे है, इनका फूड का प्रिपरेशन कैसे है, और मेन हमारा पर्पस था कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों को हो रहा है। तो इनके पास वो पूरा डेटा रिकॉर्ड हमने चेक किया, कितनी रिक्शा जा रही हैं, एक रिक्शा में कितने लोगों का, 500, 700, 1000, 1200 लोगों तक का खाना ये लोग भेजते हैं। तो वो पूरा वेरीफाई करने के बाद 5,11,600 लोगों का एक दिन का फूड डिस्ट्रीब्यूशन आया है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट मिला के, 2 शिफ्ट का मिला के। उसके लिए इनको हमने आज वो अवार्ड दिया है जिसमें इनका हाईएस्ट आया है। लॉकडाउन का लोग 5 सारी ऑडिट के बाद उन्होंने पाया कि इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो 3.5 लाख लोगों का है, तो हमारा 5,16,000 जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हम लोग बहुत खुश हैं, हम आभारी हैं मीडिया के भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को आगे चलाने में सहयोग दिया, और हम भगवान से प्रेयर करते हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, हम प्रेयर करते हैं कि ये 1 या 2 मिनट में टूट जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाने को मिले और कोई भी भूखा नहीं। थैंक यू।